जब मैं अकेली रहती थी ना तो हफ्ता भर तो पास हो जाता था बिकॉज आई हैड सो मच वर्क टू डू, बट संडेज यूज टू बी रियली लोनली. मतलब आई कम फ्रॉम अ बिग फैमिली, लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, लेकिन अकेले रहने में कम ही फ्रेंड्स होते हैं. और संडे को ना मैं अपनी बिल्डिंग में देखती थी, सब अपने फैमिलीज के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, कोई बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा है, एंड आई हैड लिटरली नो बडी ऑन सर्टन संडेज, कोई फ्रेंड्स नहीं. तो यूज टू फील सो सैड. तो दिन भर तो टाइम पास हो जाता था कि सुबह यू नो मूवी देख ली, दो चार मूवीज देख ली, चीट मील कर लिया, दैट यूज टू बी एक्साइटिंग. उसके बाद शाम को ऐसा लगता था क्या करें, बहुत डिप्रेसिंग हो जाता था. तो अपनी एंग्जाइटी को किल करने के लिए ना यूज टू गो फॉर अ जॉग, आधा घंटा मस्त कान में हेडफोन्स में म्यूजिक लगा के जॉग करने के बाद थोड़ा सा एड्रेनलिन आता था. तो मेरी गली के बाहर ना एक चाट की दुकान होती थी, वहां पर ना दही कचौरी माइंड ब्लोइंग मिलती थी, मतलब द बेस्ट आई हैव ईटन. तो आई यूज टू हैव दैट दही कचौरी आफ्टर अ नाइस हाफ एन आवर का जॉग. वो दही कचौरी खाई और खुद के साथ मतलब अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करा, इंजॉयिंग इट एवरी मिनट एंड देन कमिंग बैक होम. एंड इन दोज मोमेंट्स आई रियलाइज कि कई बार जब आप लोनली हो जाते हो ना लाइफ में, आपको इंसानों की हमेशा जरूरत नहीं होती. दैट इज वेन यू रियलाइज दैट सेल्फ लव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट.